हाँ जी, क्या हाल है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि कल देखा आपने कि मैं अपनी बुआ के घर ही रुक गया था, तो अभी मैं वही हूँ। और आप देखो बच्चे पीछे, देखो मेरे पीछे व्लॉग के पीछे ऐसे खड़े हो गए। और ये भाविक भाई आ गया। भाविक मेरे को एक बात बता, तू कल क्यों नहीं मिला मुझे? कहाँ था तू कल? मैं खाने की सेवा कर रहा था। सेवा कर रहा था, पर तू तो मुझे सिर्फ खाता दिख रहा था कल। तो गाइस, तुम्हारा भाई हो गया रेडी और आज हम लोग निकल रहे हैं। देखो गाइस ये कितनी तेजी में भागते गए कि मैं इन्हें कहीं व्लॉग में ना ले लूं, छुप गए जाके। तनिष भाई रेडी चले? आज इसके स्कूल की भी छुट्टी थी, इसके ट्यूशन की भी छुट्टी थी, तो मैंने कहा क्यों ना तनिष भाई को आज अपने साथ ले लिया जाए। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आए हैं। चलो भाई चलो, आ जाओ चलो। अब एंट्री करें। मक्खी क्या हुआ? मक्खी कुछ ओके। यहाँ पे पहले टिकट्स लेनी पड़ेंगी। चलिए टिकट्स लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे अभी तक प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है देश में, वो यहाँ पे जो म्यूजियम है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अभी हम वहीं चलेंगे, वहीं देखते हैं। और हम यहीं पे नेहरू प्लैनेटोरियम भी है, तो क्योंकि तनिष भाई को प्लैनेट्स और उसकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है तनिष भाई की उन चीज़ों में, बहुत तो ज़्यादा, इसीलिए हम तनिष भाई कह रहा है कि हमें वहाँ भी जाना है, तो वहाँ भी हम चलेंगे। वहाँ पे वैसे 4 बजे का शो है 3D मूवी का और 5 बजे का शो है 2D मूवी का। अभी देखते हैं, 3:30 हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं, पहले हम प्रधानमंत्री संग्रहालय को एक्सप्लोर करेंगे या नेहरू प्लैनेटोरियम को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए गाइस चलते हैं। हाँ भाई तनिष चलो। इधर है गाइस प्रधानमंत्री संग्रहालय और हमें अभी जाना नेहरू प्लैनेटोरियम, तो हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय की टिकट पीछे है, तो हमें लगा नेहरू प्लैनेटोरियम की भी वहीं होगी, लेकिन वहाँ नहीं थी। तो उन्होंने कहा आप सीधा जाइए और नेहरू प्लैनेटोरियम की टिकट आपको दूसरी तरफ मिलेगी। तो गाइस इधर आ गया नेहरू प्लैनेटोरियम, आप देखिए। और गाइस ये तो पूरा खाली लग रहा है मुझे, पर जब हम मूवी देखने बैठेंगे देख लेना, भीड़ हो जाएगी एकदम, है ना। तो गाइस 2D शो के टाइमिंग्स ये लिखे हुए हैं और उसके टिकट्स के रेट ये है। 3D शो के टाइमिंग से लिखे हुए हैं और उसके टिकट्स के रेट ये है। तो हम देखेंगे 4 बजे वाला शो 3D में हिंदी में। और अभी टाइम हो गया है 3:30 हो गए हैं। ये हमारी टिकट्स आ गई हैं 2 3D शो की। तनिष भाई तो खुशी हो गया अंदर आके। गाइस इधर देखेंगे पूरा चंद्रयान का पूरा वो दिखा रखा है, ये प्रज्ञान रोवर और ये विक्रम लैंडर। ये पूरा अपर सोलर सिस्टम के बारे में बता रखा है। ये बटन्स पता नहीं क्यों लगे हैं, शायद पता नहीं भाई। इधर ये स्पेशल रूम है, आइए रूम में भी देखते हैं क्या बना हुआ है। ओके तो गाइस कल बहुत तो बोल रहे हैं, तो गाइस काफी ना मजा आ रहा है, ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही है, अजीब सी फीलिंग आ रहा है। चलिए गाइस बाहर एक्सप्लोर करते हैं। और तो गाइस ये सेलेस्ट्रियल कैलकुलेटर्स बने हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप कैलकुलेटर्स। भाई पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कैसे कैसे चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता था भाई, ये अपने आप में एक चैलेंज रहता था पहले। तो गाइस देखिए मिल्की वे गैलेक्सी कैसी दिखती है, यहाँ पे सारी गैलेक्सीज के बारे में बता रखा है। और गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, कि एक तो वो 3D में और दिखेगा कि पूरा मूवी दिखाएंगे। मैंने देखी थी आज से 6-7 साल पहले आया था मैं मूवी देखने, तो तब तो बहुत मज़ा आया था। अब मेरे को ढंग से वो याद नहीं है, तब तो मैं स्कूल फ्रेंड्स के साथ आया था, स्कूल वाले आए थे, तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कैन ग्रेविटी चेंज बिहेवियर ऑफ लाइट। मेरे को तो इसमें जियोलॉजिकल चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन तनिष भाई को बहुत है। इनफैक्ट इसके मोबाइल में भी 2-4 ऐप्स हैं इसी चीज़ के रिगार्डिंग। कितनी डेडिकेशन से पढ़ रहा है, जितनी डेडिकेशन से फ़ोन चलाता है उसी डेडिकेशन से शायद ये पढ़ भी रहा है यहाँ पे कुछ।
डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है इसके बारे में तूने स्कूल में? जब मैं अपनी क्रश को देखता हूँ मेरी दिल की धड़कने फिर रुक जाती है एक पॉइंट के बाद। ये एस्ट्रोनॉट्स की ड्रेस पड़ी हुई है यहाँ पे और उनके बुक भी है, फर्स्ट एड किट भी है, शूज भी है, पूरी ड्रेस। और इस पूरी ड्रेस में सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? ये हमारा तिरंगा। तू क्या कर रहा है भाई? फोटो खींच रहा हूँ, देखो क्या मस्त है। सो गाइस यहाँ पे हमारे कल्पना चावला, राकेश शर्मा और सुनीता विलियम्स की फोटो लगा रखी है। हाँ, ये पुराने टाइम की क्लॉक्स बनाई हुई है गाइस यहाँ पे। और ये हमारा जंतर मंतर, जंतर मंतर भी शायद क्लॉक ही थी ना। और ये क्या है, ये नहीं समझ आया। राम यंत्र, राम यंत्र जो सेंटर में पोल सा नहीं है। हाँ, उसे टाइम का अंदाजा लगा लेते हैं सूरज की शेडो से। नाइस। हाँ, उसकी गाइस वीडियो भी प्ले हो रही है क्योंकि गाइस टाइम अप्रोक्स 4 बजने वाले हैं और अब हमारी एंट्री हो रही है अंदर मूवी देखने के लिए। तो वहीं पे एंट्री पे हमें 3D ग्लासेस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलते हैं अंदर। हैं जुपिटर के मून, जुपिटर के मून से सैटर्न के तो बहुत सारे मून्स होते हैं और ये दिखाया गया कि अर्थ कैसे रिएक्ट करता है अदर प्लैनेट्स के साथ, है ना? ये दिखाया गया ना, क्योंकि वीनस है देख। गाइस मुझे तो इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, मेरा तो सर ही घूमने लग गया इतना सब कुछ जान के। कुछ ढंग से जाना भी नहीं अभी तो, आधी चीज़ें हमने एक्सप्लोर भी नहीं करी ढंग से। घुसे तो हमें 5 मिनट हो जाएंगे, 5-10 मिनट हुए हैं। इसलिए गाइस हमें बचपन में अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। एंड हमारी एंट्री हो गई है, यहाँ पे पूरी मूवी चलेगी तो अभी वो एक्सपीरियंस भी लेते हैं। तनिष भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, कभी नहीं आया ना तो, पहले नहीं आया ना, फर्स्ट टाइम है ना ज़रा। मैं कोई ऐसी जगह भी पहली बार आया। और यहाँ पे गाइस हमारी सीट्स ना पीछे हो, कैसे हो जाती हैं दिखा। ओके गाइस अब हम बात करते हैं मूवी देखने के बाद। तो गाइस इसके थ्रू हम मूवी देखेंगे, इससे 3D प्रोजेक्ट होगा पूरे पे शायद। भाई कैसी लगी मूवी? बेस्ट, वर्थ है, मजा आ गया, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। 3D में देखना, देखोगे अगर कोई भी 2D में। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखा रखी है और बहुत सारी चीज़ें बना रखी है। इसे तो बचपन की याद आ गई, इतनी अच्छी पेंटिंग्स तो नहीं थी मेरी खैर गाइस, बट मैं भी थोड़ा बहुत आर्ट वर्क तो कर ही लेता था। गाइस देखिए क्या सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना रखी है बच्चों ने। गाइस मेरे हिसाब से तो ये जगह मस्ट विजिट है अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, और अगर नहीं रहते और आप वैसे ही आए घूमने तो आपको एक बार नेहरू प्लैनेटोरियम तो आना ही चाहिए। हेलो, हमने 3D मूवी देखी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। बीच में तो थोड़ा सर ही घूमने लग गया क्योंकि 3D में जाना तो ऐसे पूरा घूम रहा था, पूरा ऐसे स्पेस एंड ऑल सब 3D में दिख रहा था। बाकी गाइस चलिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं हम? अब हम चल रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है तो अभी हम वो भी विजिट करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है। तो ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर जो है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय।